ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नजरिया में। हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे से। कटारे जी से अभी तक हमने लंबी चौड़ी बातें करी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेके, पार्टी के अंदरूनी मसलों को लेके, लेकिन अब हम उनसे बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाले कामकाज को लेके और इसके अलावा उनके ऊपर लगे हुए व्यक्तिगत आरोपों पर। कटारे जी, अगर हम सदन की बात करें या आपकी खुद की बात करें तो आपकी संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद उठता रहता है। अरविंद भदौरिया ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में आपकी संपत्ति 100 गुना बढ़ गई, मतलब जस्ट डबल हो गई। आपके तीन तीन पैन कार्ड हैं। छांट के लाई है, ऐसी योग्य आदमी की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। वो कौन है दो आने का आदमी? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मेरी संपत्ति इतनी बढ़ी है तो बीजेपी ने क्या करवाया? जांच करवाई? हमने तो बोला नंदू भाई से कि जांच करवाओ, हमने तीन पैन कार्ड मांगे, देव क्यों नहीं दे रहे? हम कह रहे हैं अभी ऑन रिकॉर्ड, आप इसको रख लेना रिकॉर्ड में, यदि तीन पैन कार्ड सत्यदेव कटारे के नंद कुमार चौहान जी लेके कॉपी आ जाते हैं, फोटो कॉपी सर्टिफाइड कॉपी हमें दे दें, अपना इस्तीफा साथ में लेके आए और मेरा इस्तीफा साथ में रेडी रहेगा, टाइप नहीं हुआ टाइप करवा के रखूंगा। अगर तीन उनने हमें दे दिए उसी क्षण इस्तीफा इस पद से दे दूंगा, और यदि नहीं दे पाए तो उनको भी इस्तीफा दे के यहां से जाना पड़ेगा। इज एग्री करो बात, हम उनको चिट्ठी लिख के बोल चुके हैं, कोई पे भी आरोप लगा दो फिर उस पर आरोप लगते हैं। अब सब तो देखो उन पे ये आरोप लग रहे हैं, उन पे ये लग रहे हैं, आज तक किसी ने लगाए? ये कोई मतलब है? और कौन का बात ले रही हैं? जो कितना योग्य आदमी है, कितना झूठ आदमी है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, कभी कभी बात नहीं करते। हमारे यहाँ चुनाव लड़ रही है तो इसका मतलब हमारा बराबर का हो गया, उसकी हैसियत होना चाहिए, उसकी औकात होनी चाहिए, इतनी उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि आपने जो कहा उसमें दम क्या है तो लाओ, नहीं है तो घर बैठो। रिहायशी इलाके में हमें जवाब नहीं देना उसका, ना मीडिया को जवाब दूंगा ना उसको दूंगा। नहीं, लेकिन जवाब दूंगा इनकम टैक्स पूछेगा उसको। जिम को लेकर बकायदा वो रहा है कि रिहायशी इलाके में आपका जिम चल रहा है। काहे में? रिहायशी इलाके में जो रेजिडेंशियल एरिया। रिहायशी इलाका क्या होता है? अरे रखा लोनी में कितने जिम चल रहे हैं? स्पीकर साहब के एक दबाद का चल रहा है, वही चल रहा है ना, आपके बगल में ही चल रहा है कि ऊपर चल रहा है, बताओ चल रहा है? बिल्कुल वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं मैं नहीं, मैं तो नगर निगम ने नोटिस दिया, मैं उसको सवाल पूछ रही हूं। नोटिस दिया है नगर निगम ने आपको? नोटिस दिया था? नहीं दिया। उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी? नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं दिया नगर निगम ने। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार आए तो सामने, सरकार में सामने कोई आई नहीं रहा है, लिया सामने। अच्छा अब तीसरा ये दूसरी कि नहीं, मेरा भी सवाल है कि अरेरा कॉलोनी में रेजिडेंशियल मकान पूरे हैं और पूरे मकानों में कॉमर्शियल काम कितने में हो रहे हैं, तो जो कॉमर्शियल काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? अगर वो सब लीगल हैं तो सत्यदेव कटारे का इलीगल कैसे हो जाएगा? अच्छा एक चीज, ये चीजें इस तरीके, पहले आधार देख लो, पहले समझ लो, तब उसको दोहराओ। अगर आप में तो आपको उसमें तथ्य लगते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट लेके आके सामने बैठ जाओ, आप आ जाओ ले आइए। एक बीजेपी वाले का इस्तीफा करवा दो बड़े नेता नंदू का, मैं बराबर के हम तैयार बैठे हैं, और नहीं है तो ये फालतू बातों का कोई अर्थ नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए। अच्छा अब ये कि विधानसभा में लगातार कांग्रेस पे आरोप लगता है कि सदन नहीं चलने देते, सरकार के कामकाज में दिक्कत होती है, कई बार बीजेपी ने जो है बड़ा बवाल मचाया, मतलब पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते, उसका भी सारी चीजें कांग्रेस पे ही आई कि पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते और आप लोग विधानसभा नहीं चलने देते तो जनता के कामकाज रुकते हैं। तो इनको पूछना चाहिए आपको, सरकार वालों को जो यहाँ से दिल्ली तक सरकार में है, कि पिछले 10 साल इन्होंने क्या किया है? पिछले 10 साल इन्होंने कौन सा सदन चलने दिया? 2G पे चला, कोल पे चला, और किसी पे चला? अच्छा हमें एक बात बताइए, 2G घोटाला है, बीजेपी का कोई नेता, मैं चुनौती देता हूँ सामने आ जाए, अरुण जेटली आ जाए और जो विद्वान हो वो आ जाए, मेरे से बहस कर ले, हम ये सिद्ध कर दें कि 2G घोटाला नहीं है, तो उसे मान लेना नहीं, अगर डिबेट में ही हम विधानसभा की बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो पिछले 2-3 बार से वो भी नहीं चल पा रही ठीक से, नहीं चल पा रही है तो जो तो सरकार की गलती है,
एक बार विधानसभा नहीं सरकार का होती। कहना है कि कांग्रेस शोर मचाती है, हम तो काम करना चाहते हैं। हाँ सरकार तो काम कर रही है, विदेश में जाके बेचारा काम कर रहा है, और कहाँ करे, कहीं नहीं मिलता है तो विदेश चला जाता है काम करने। अब और क्या करे। मध्य प्रदेश में तो विधानसभा में आपने एक बार मुख्यमंत्री को भी आप लोगों ने जवाब नहीं देने दिया था, हैं मुख्यमंत्री भी जवाब नहीं दे पाए थे। मुख्यमंत्री कौन है, खुदा है, आदमी है, जनता के प्रतिनिधि वो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट एंड ही चेयरमैन ऑफ द कैप्टन, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, बस। बाकी डिसीजन तो लेती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, तो जो डिसीजन लेने के अधिकार रखेंगे, जैसे गवर्नमेंट कहेंगे, वो गवर्नमेंट को ही कैबिनेट, और चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन होने के नाते सिर्फ बैठता है, तो इसलिए वो डिसीजन उसके नाम से दस्तखत से जारी होते हैं। पर हमें नहीं बताइए मुख्यमंत्री ने कितने बार प्रयास किए सदन चलाओ साहब, हम चाहते हैं सदन चला, कब किया? हम बैठे हुए हैं, हमसे तो कभी बात की नहीं कि साहब हम सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चल रहा है। और सदन चलाने वाले को रोकता कौन है? आप दिल्ली में देखो, लोकसभा स्थगित हो गई फिर बैठती है, लोकसभा बैठने के लिए सर्वदलीय बैठक होती है, ये सब बातें होती हैं, और उसके बाद सदन में बनता है, बात आगे बनती है। तो ये यहाँ क्यों नहीं करना चाहते? ये आरोप लगाने की बात करते हैं कि उन पर ये आरोप, उन पर ये आरोप। अरे तुम सामने आओ ना, वन टू वन सामना करो। पेटलावत का मामला हुआ हाल ही में, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे हाई जा रहा है किसानों की आत्महत्या में। हाँ और पिछली बार जब सदन अचानक बंद कर दिया गया था तो कांग्रेस के कई सारे विधायक वहीं रह गए थे 3-4 दिन के लिए, कांग्रेस और बिना नेता, किसी, कांग्रेस के कई सारे विधायक विधानसभा में ही रुक गए थे, तीन हाँ दिन तक वहीं रहे थे अंदर। हाँ फिर उसके बाद किसानों की आत्महत्या का मामला है, आपने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिट्ठी लिखी कि सदन का विशेष सत्र बुलाएं, पेटलावत का केस हुआ, लेकिन इतनी सारी चीजों के बाद भी कांग्रेस सरकार को घेर नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा है 3 बार का बहुमत और इस बार 165 सदस्यों का बहुमत, इतनी सदस्य संख्या लेके वो हम जनमत को देखना नहीं चाहें, तो जो सरकार चाहेगी सो होगी, जो तरुण दल चाहेगा वो होगा, तो भी वो कर क्या पाए? क्या मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य पूरा कर पाए हाउस में? मुख्यमंत्री भागते हैं, सामना नहीं कर पाते, क्यों भागते हैं? अरे जब हिम्मत है तो सामना करो, सामना करते नहीं है, भागते हो और कहते हैं हमको बोलने नहीं देते। अरे तो तुम बोलो ना, तुम में दम है तो। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल की चलती है, या ये सोचे कि कांग्रेस सड़क पे भी मुद्दे अच्छे से नहीं उठा पाती है सदन के बाद, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो फिलहाल की स्थिति है उससे पार्टी को आगे निकालने के लिए क्या करना चाहिए पार्टी को? वो हम लोग मंत्रणा कर रहे हैं और मंत्रणा करके दिसंबर से आपको देखने लगे। किस तरह के बदलाव देखने में आएंगे किस दिसंबर तरह से? से बदलाव नहीं बताऊंगा, वो देखने लगे। अभी तो हम लोगों ने बात की है, बातचीत की होके, और कार्य समिति के सदस्य भी आ रहे हैं नए लोग, तो उसमें भी परामर्श होगा, फिर राय सबकी आएगी, उसके अनुसार आगे चलेंगे। हम लोग भी बैठे हैं सीनियर लोग, फिर उसको परामर्श करेंगे, सबकी राय आएगी, यंग राय भी आती है, सीनियर राय भी आती है, फिर उनका निचोड़ निकलता है, तो वो होगा। मतलब योजना तैयार हो चुकी है कांग्रेस के अंदर। हाँ योजना तैयार हो चुकी नहीं है, हो ही रही, चल रही है, और ये एक ही दिन की नहीं होती है, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी दो दो साल 3 साल। आपको लगता नहीं कि कहीं कांग्रेस का संगठन कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है तुलना करें तो? तो जी आप बात किससे कर रही हैं? आपसे बात कर रही हूँ संगठन के एक आदमी से कर रही हो ना, जी। तो फिर ऐसे ही सब बैठे हैं जगह जगह, उनसे बात होगी, उनसे राय मिलेगी, परामर्श मिलेगी, और उनसे आपको कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी। लेकिन आपका संगठन बीजेपी के संगठन की तुलना में काफी कमजोर है। हमारा उनसे कमजोर क्यों है, हमारा उनका संगठन है, हमारा संगठन उनके जैसे है ही नहीं, हमारे संगठन की शैली अलग है गठित होने की, बीजेपी अपना अलग होता है, वहां तो डंडा चलता है, आपके यहाँ कांग्रेस डंडा नहीं चलता है, है आपके यहाँ डंडा नहीं चलता, नहीं। इसीलिए हर आदमी अपनी चाल चलता है। हाँ अच्छा चलिए, अब आखिरी सवाल कि अगले सत्र में सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरने की तैयारी हो रही है? वो मुद्दे तो अभी से नहीं बताएंगे, पर इतना हम बता दे रहे हैं कि सरकार की नकेल में
नाक में नकेल डाले आइए जी, देख लेना आप। मतलब जो आप बता रहे हैं कि दिसंबर में कांग्रेस में बदलाव दिखाई देगा, तो ये सदन से शुरुआत होगी, संगठन में देखेगा बदलाव बाहर, लेकिन जो हाउस में चाहिए वो बदलाव ही दिखेगा। मतलब आप शैडो कैबिनेट इस मामले में बहुत बधाई की पात्र है, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उन लोगों ने कई मुद्दे अच्छे अच्छे लिए हैं और कई शैडो कैबिनेट को मुद्दे दिए हैं और शैडो कैबिनेट पे कई मुद्दे उठाए हैं जिसका जवाब नहीं है बीजेपी। और अभी कितना काम हो गया, अभी भी काम कर रही है शैडो कैबिनेट, कितना काम हो चुका है? अभी भी कर रही है। कितना हो चुका है काम? नहीं, काम कोई नाप तोल के नहीं होता है, लेकिन जितने प्रतिवेदन पढ़ना है, जितनी रिपोर्ट्स हैं विभाग की वो देखनी है, तो ये सब हमारे शैडो कैबिनेट के लोगों ने स्टडी की है। अब जैसे पेटलावत तो अभी का मामला है, इस पे क्या किया शैडो कैबिनेट ने या संगठन ने या पार्टी ने? तो वो खत्म हो गया, पेटलावत मुद्दा अभी चल रहा है, तो हमारे शैडो कैबिनेट के लोग उसमें लगे हैं मौके। अभी तक राजेंद्र कासवा की गिरफ्तारी नहीं हुई है? ए? अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है? और कांग्रेस जब वो रहेगा बीजेपी के घर में तो गिरफ्तार क्यों होगा, वो वहीं है। कहाँ फरारी काट रहा है? है? फरारी कहाँ काट रहा है, क्या आपको मालूम है? जिस तरह मुझे से आप ये बोल नहीं रहे मालूम, मुझे ये मालूम कि झाबुआ जिले से बाहर नहीं है, वहीं पे है। चलिए कटारे जी, हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।